नमस्कार बाबा, राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। आईईएल के खिलाफ गोमियों में ग्रामीणों की गोलबंदी शुरू। राकेश कुमार, बेरमो से राजेश कुमार की रिपोर्ट। गोमिया प्रखंड के पलिहार गुरुडीह पंचायत सचिवालय में गोमिया के ग्रामीणों की बैठक विनय स्वर्णकार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस बैठक में गोमिया के ग्रामीणों ने आईईएल के खिलाफ पानी के आंदोलन अभियान को आगे बढ़ाने की शुरुआत की घोषणा किया। बैठक में उपस्थित स्थानीय ग्रामीण पूर्व छात्र सह सीटू नेता राकेश कुमार ने कहा कि गोमिया का पूरा शहरी इलाका बरसों से भीषण पेयजल के संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि गोमिया में व्याप्त जल समस्या के समाधान के लिए पिछले एक वर्ष पूर्व से ही आईईएल कंपनी के प्रबंधक को गोमिया के लोगों ने अपनी मांग पत्र सौंपा था। उन्होंने कहा कि वर्ष 3 मार्च को ही आईईएल कंपनी को ग्रामीण द्वारा हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र सौंपा गया। इसके बाद पुनः 27 दिसंबर 2021 को आईईएल कंपनी के मेन गेट के समक्ष गोमिया के ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर कंपनी को मांग पत्र सौंप कर यह मांग किया था कि आईईएल कंपनी के द्वारा गोमिया के बैंक मोड़ तक किए जा रहे सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति का विस्तार गोमिया पंचायत के गोमिया हाई स्कूल तक एवं पलिहारी गुरुडीह के नेहरू हाई स्कूल तक किया जाए। कंपनी के खिलाफ अगर कोई बड़ा आंदोलन होता है तो इसकी पूरी जवाबदेही कंपनी की होगी। बैठक में अजय कुमार, राकेश कुमार, ललित यादव, द्वारिका रवानी, विनोद प्रजापति, सूरज कुमार, जितेंद्र प्रसाद, दीपक अग्रवाल, जानकी साहु, नीतीश कुमार, गोपी लाल, अरविंद कुमार, संजय अग्रवाल समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। कंपनी के अंदर हम लोगों ने पिछले एक वर्ष से जो आंदोलन चला रखा है के बीच में यह सहमति बनी थी कि गोमिया और पलिहारी के लोग जो मांग कर रहे हैं उनका मांग जायज है। 3 महीने के अंदर हम लोग आपकी इस मांग को पूरा करेंगे। 27 दिसंबर के हुए वार्ता के बाद आज 27 मार्च को उनका 3 महीने का समय पूरा हो गया है। अब हम लोग गोमिया और पलिहारी के लोग के खिलाफ हमारी जो मांग है उस मांग को लेने के लिए हम लोग अब आज से अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। लगातार खबरों को देखते रहने के लिए बाबा राष्ट्रीय न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।